हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एट। क्लास एट है हमारी और एक्सरसाइज है हमारी 6.3। एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच। आपसे ये पूछ रखा है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, कि ये जो हमें नंबर दे रखा है इसका वंस डिजिट है वो क्या पॉसिबल है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच। अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास इसका जो भी स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसका जो वंस डिजिट है वो क्या आएगा, ये बोल रखा आपको। अब ये हमारे पास क्या है, 9801। अब ये लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 1 है। तो जब हमारे पास लास्ट डिजिट 1 है तो 1 किस किस का स्केयर करने से आता है, या तो अगर हम 1 का स्केयर करेंगे तब भी 1 आएगा, और दूसरा हम 9 का स्केयर करते हैं तब भी 81 आता है। तो लास्ट डिजिट क्या आता है, 1। इसके अलावा हम किसी का भी स्केयर कर देंगे, लास्ट डिजिट 1 नहीं आता। तो हमारे पास क्या पॉसिबल है, वंस डिजिट इन द स्केयर रूट ऑफ 9801 में बी 1 और 9 की, इसका वन डिजिट है जो या तो वो 1 हो सकता है या फिर 9। सेकेंड है 99,856। अब लास्ट डिजिट 6 है, 6 हमारे पास अगर 4 का स्केयर करते हैं तब क्या आता है, 16 आता है, और अगर हम 6 का स्केयर करते हैं तो क्या आता है, 36 है। इन दोनों में लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। तो क्या क्या आ सकता है कि वंस डिजिट इन द स्केयर रूट ऑफ 99,856 मे बी 4 एंड 6, या तो 4 का स्केयर करने से आएगा या फिर 6 का स्केयर करने से। नेक्स्ट है हमारे पास 9,98,001। लास्ट डिजिट 1 है तो फर्स्ट पार्ट में भी हमने 1 था, तो क्या आएगा, 1 और 9 का स्केयर करने से आएगा। तो क्या लिखेंगे, वंस डिजिट इन द स्केयर रूट ऑफ 9,98,001 मे बी 9 और 1 किया, तो 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डिजिट दे रखा है, इसका लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 5, और 5 किसका स्केयर करने से आता है, 5 का स्केयर करने से। उसके अलावा किसी भी नंबर का स्केयर करेंगे तो 5 नहीं आता। तो क्या बोल देंगे, वंस डिजिट इन द स्केयर रूट ऑफ कैन बी 5 की, इसका अगर हम स्केयर रूट निकाल लेंगे तो वो हमारे पास उसका वंस डिजिट प्लेस क्या आएगा, 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। आपसे ये बोल रखा है, बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है कि ये हमारे पास जो नंबर दे रखा है ये श्योरली एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। हमें ये पता है कि ये कंप्लीट, बिना डिवाइड के हम ये बता दें कि ये एक कंप्लीट स्क्वेयर रूट नहीं है। कैसे नहीं है परफेक्ट स्क्वेयर, ये देखते हैं। कभी भी हम किसी भी नंबर का स्क्वेयर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास 1 का स्केयर, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं 1, अगर हम 1 का स्केयर करते हैं तो क्या आता है, इधर देखो, देखो जैसे ये है आपके पास 1 का स्केयर करेंगे, 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 स्केयर 49, 8 स्केयर 64, 9 स्केयर 81 एंड 10 स्केयर 100। तो क्या किसी का भी लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है, किसी का भी लास्ट डिजिट है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं है। तो इट मीन्स हम क्या बोल देंगे, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता। अब देखो, वी नो दैट, हमें पता है द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 की कोई भी नंबर है जो जिसका एंड, जिसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है आर नॉट परफेक्ट स्केयर, वो परफेक्ट स्केयर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 153, लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 3, और 3 अगर है तो वो नॉट ए परफेक्ट स्केयर। तो क्या बोल देंगे, 130 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्केयर बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज 3, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है जो वंस डिजिट प्लेस पे है वो हमारे पास क्या है, 3। नेक्स्ट में क्या है, 257, लास्ट डिजिट 7 है, और 7 जब लास्ट में होता है तो वो भी नहीं होता किसी का परफेक्ट स्क्वायर, इट्स वंस डिजिट इज 7 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है 408, इसका लास्ट डिजिट 8 है तो इट्स वंस डिजिट इज 8 सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह इसका 441 है, और 1 है तो 1 किसका स्क्वायर करने से आता है, 1 का स्क्वायर करने से भी आता है और 9 का स्क्वायर करने से भी आता है। तो 1 अगर हमारे पास लास्ट डिजिट है तो क्या बोल देंगे, 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
कई बार हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पे 431 है तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट डिजिट अगर हमारा 1 है तो वो एक कम्प्लीटली परफेक्ट स्केयर होगा, लेकिन श्योरिटी आ जाते हैं कि मे भी हो भी सकता है और नहीं भी। और ये जो हमारे पास डिजिट है इनका हमारे पास श्योरली है कि ये कभी भी हो ही नहीं सकते, कि कोई भी नंबर ले लें, चाहे 408 ले लिया, चाहे 18 ले लिया, 28 ले लिया, 38 कुछ भी ले लें, जिसका लास्ट डिजिट 8 होगा वो कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाई द मेथड रिपीटेड सबट्रैक्शन। रिपीटेड सबट्रैक्शन का हमारे पास जो मेथड है उससे हमें निकालना है 100 और 169 का स्क्वायर रूट। अब जो हमारे पास रिपीटेड सबट्रैक्शन का मेथड है वो मेथड है क्या, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो नंबर है हमारे पास उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। वन जो हमारे पास ओड नंबर्स हैं सिक्वेंस में हम ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। 100 में से बाई सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से नीचे के जो नेचुरल लेस देन नेचुरल नंबर है हमारे पास ओड उनको सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे कंटिन्यू। 100 में सबसे पहले कौन आता है, 100 में से 1 माइनस कर दिया 99, फिर हम 99 में से माइनस करेंगे, 1 के बाद कौन आता है ओड नंबर 3, 99 माइनस 3 96, फिर यहाँ 96 लिखेंगे, 3 के बाद ओड नंबर 5, 96 माइनस 5 91, फिर 91 को यहाँ नोट करेंगे, 5 के बाद क्या आता है 7 आता है, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 7 के बाद 9 आएगा, 84 माइनस 9 75, फिर 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19 एंड 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0, कि हमारा कहीं ना कहीं आके क्या आ गया 0। अगर ये 0 नहीं आता एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, अगर 0 आ जाता है तो क्या है, इट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। फिर हमें पता लगाना है किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे कि हमने जितनी बार भी कितने स्टेप्स के अंदर ये हमारा 0 आया है उन स्टेप्स को हम काउंट करेंगे, जितने स्टेप्स के बाद हमारा डिजिट 0 आया उतने का ही हमारे पास वो स्क्वायर रूट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास कितने डिजिट हैं, कितने स्टेप्स हैं 10, तो हम क्या बोल देंगे दिस सक्सेसिव सबट्रैक्शन इज कम्प्लीटेड इन 10 स्टेप्स, कि सक्सेसिव सबट्रैक्शन का जो है ये हमारे पास कितने स्टेप्स में कम्प्लीट हुआ 10 स्टेप्स में, तो क्या बोल देंगे 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट है 169, इसी तरह से 169 का करेंगे, पहले 1 को माइनस करेंगे, 169 माइनस 1 168 आया, 168 माइनस 3 165, फिर 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनus 9 144, 144 माइनus 11 133, 133 माइनus 13 120, 120 माइनus 15 105, 105 माइनस 17 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25 और 25 माइनस 25 0, तो हमारे पास 25 माइनस 25 लास्ट डिजिट क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया तो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर है रूट है उसके लिए हम स्टेप्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो हमारे पास क्या बोल देंगे दिस सक्सेसिव सबट्रैक्शन इज कम्प्लीटेड इन 13 स्टेप्स, ये 13 स्टेप्स में कम्प्लीट हुआ तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास क्या है वो बताते हैं, सबसे पहले हमें छोटे से छोटे नंबर से उसको डिवाइड करना है। जैसे कोई नंबर है अगर हमारा 3 से भी डिवाइड होता है 9 से भी, तो हम क्या करेंगे उसको 3 से डिवाइड करेंगे, हम 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लेके चलते हैं 729 के हमने फैक्टर बनाएंगे, कि देखो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे क्या, पहले 3 से डिवाइड किया क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद हमने देखा 3 से होता है तो 3 से कर देंगे, 3 2 जहाँ 6, 3 4 जहाँ 12, 3 3 जहाँ 9, अब 243 आया फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जहाँ 24 और 3 1 जहाँ 3, 81 को फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 27 को फिर 3 से, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या बोल देंगे, वी हैव 729, हमारे पास क्या था 729, इसके प्राइम फैक्टर हमने लिख लिए,
कि 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमने 3 को लिख लिया। अब देखो इसके पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्केयर रूट बनाएंगे तो हम स्केयर रूट में हमेशा पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाएंगे, 1 2 3 3 पेयर्स आ जाएंगे, तो क्या लिखें, 3 स्केयर 3 स्केयर 3 स्केयर। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स है, और पूरे का क्या लिख दिया, ऑल स्केयर, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 का स्केयर। अब ये रूट निकालना है तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्योंकि स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, 27। नेक्स्ट है 400 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 00 एज इट इज़, फिर 2 से कर दिया 100 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 50, फिर 2 से कर देंगे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, फिर 25 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता है, किससे होगा, 5 से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, 5 5 जा 25 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टर लिखेंगे 400 के, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर हैं। फिर हम इसके पेयर बनाएंगे कि कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 मीन्स 2 टाइम्स 2 और 5, 2 स्केयर 2 स्केयर और 5 स्केयर। जब हमें इसका स्केयर रूट निकालना है तो स्केयर है वो ख़त्म हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक 20 का स्केयर रूट। नेक्स्ट है 1764। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा 16 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, 441 आया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 3 9 जा 27, 49 आया, फिर 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 7 1 जा 7। अब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे इसके, 2 का पेयर बन गया 3 का और 7 का, तो क्या लिखेंगे, 2 स्केयर मल्टीप्लाई 3 स्केयर मल्टीप्लाई 7 स्केयर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका स्केयर रूट 42। नेक्स्ट है हमारे पास 4096 को हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4 0 एज इट इज़, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया, 2 1 जा 2 0 एज इट इज़, 2 1 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 से कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दिया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 16 पे हो जाएगा, फिर 2 से कर देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारे पास आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इनके पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 टाइम हम 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम्स लिख लिया हमने इसको, तो अब क्या लिखें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4096 हमारे पास किसका स्केयर, इसका स्केयर रूट क्या है, 64। नेक्स्ट है हमारे पास 7744, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दिया, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से कर दिया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 121 को 11 से करेंगे, 11 से 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 से 11 पे जाएगा 1। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 2 2 11, 3 टाइम्स 2 और 11, 3 टाइम्स 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 और 11 की मल्टीप्लाई 88, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 88। नेक्स्ट है हमारे पास 9604 का हमने 2 से डिवाइड किया,
टू फोर जा एट, टू एट जा सिक्सटीन, जीरो एज इट इज़ टू टू जा फोर, फिर टू से कर दिया टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, जीरो एज इट इज़ टू वन जा टू। फिर हमारे पास ये जो आया ये टू से डिवाइड नहीं होता, थ्री फोर फाइव सिक्स किसी से डिवाइड नहीं होगा, सेवन से होगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, फिर सेवन से हो जाएगा सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, फिर सेवन से सेवन, सेवन जा फोर्टी नाइन, सेवन वन जा सेवन। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, टू मल्टीप्लाई टू ये पेयर आ जाएगा, और सेवन सेवन का, और सेवन सेवन का। तो हमारे पास कितने पेयर आएंगे, वन टू थ्री, टू मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सेवन, टू मल्टीप्लाई सेवन कर देंगे, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन सेवन जा नाइन्टी एट, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, नाइन्टी एट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन पार्ट, 5929। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले सेवन से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा, सेवन से डिवाइड करेंगे, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स इसमें से माइनस कर देंगे तो थ्री आ जाएगा, थर्टी टू, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, और सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, फिर सेवन से कर देंगे, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन वन जा सेवन, फिर वन ट्वेंटी वन आ गया, इलेवन से हो जाएगा, इलेवन से इलेवन पे, फिर इलेवन से वन। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, सेवन और इलेवन, तो क्या आ जाएगा, सेवन स्केयर मल्टीप्लाई इलेवन स्केयर, और स्केयर रूट बताना है तो सेवन मल्टीप्लाई इलेवन, इलेवन सेवन जा सेवेंटी सेवन। नेक्स्ट है हमारे पास 9216। अब इसको हम टू से डिवाइड कर देंगे, सबसे पहले टू से डिवाइड करेंगे, टू फोर जा एट, टू सिक्स जा ट्वेल्व, जीरो एज इट इज़, क्योंकि वन नहीं जाता ना हमारे पास, तो जीरो, टू एट जा सिक्सटीन, फिर टू से टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, जीरो एज इट इज़, टू फोर जा एट, फिर टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, टू टू जा फोर, फिर टू फाइव जा टेन, टू सेवन जा फोर्टीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट, टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू सिक्स जा ट्वेल्व, फिर टू से टू वन जा टू, टू एट जा सिक्सटीन, टू नाइन जा ट्वेल्व एटीन, और फिर थ्री से कर देंगे, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री। अब पेयर बनाएंगे, एक टू का पेयर, फिर टू का पेयर, फिर टू का पेयर, फिर से टू का, और टू का, फिर थ्री का, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स टू आएगा और वन टाइम थ्री, फाइव टाइम्स टू लिखेंगे और मल्टीप्लाई थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, थर्टी टू थ्री जा नाइन्टी सिक्स। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नाइन्टी सिक्स का स्केयर, परफेक्ट स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट है 529। 529 को हमने डिवाइड किया, किसी से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 23 से डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा, फिर 23 को 1 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। प्राइम फैक्टर किसका है, 23 का आया, तो 23 का ये एक प्राइम फैक्टर आ जाएगा। 8100 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज़, 2 5 जा 10 हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 0 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 3 से कर देंगे, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर कर देंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 5 जा 20, 5 5 1 जा 5। ये आ जाएगा हमारे पास, प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास, इसके फैक्टर बनाएंगे 2 3 फिर से 3 और 5, 2 3 3 5, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 6, 2 6 टू थ्री जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, एटीन फाइव जा नाइन्टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 90 का परफेक्ट स्केयर। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।